जिले के अधिवक्ता हरिकृष्ण कुमार उर्फ माधव को हथकड़ी लगाए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। गायघाट थाने की पुलिस द्वारा अधिवक्ता को थाना हाजत में काफी बेरहमी से मारा पीटा गया, साथ ही हथकड़ी लगाकर कोर्ट लाया गया। इस मामले के संबंध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा उठाए गए कदम को सराहनीय बताते हुए कहा कि भारतीय संविधान व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हथकड़ी पर रोक लगाए जाने के बावजूद एक अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना मानवाधिकार उल्लंघन की अति गंभीर श्रेणी का मामला है तथा संविधान की अवमानना है। एक अधिवक्ता है, हम लोगों के एसोसिएशन के मेंबर हैं और सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनके साथ में गायघाट थाने की पुलिस के द्वारा काफ़ी मारपीट की गई कोर्ट थाना हाजत में बंद करके, उसके बाद उनको जो कोर्ट में लाया गया तो हथकड़ी पहना करके पूरे कोर्ट परिसर में उनको घुमाया गया। इस मामले को लेकर के हम लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में पहुँचे थे, जिसमें आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को आवश्यक कार्य करने का निर्देश देते हुए आज केस को बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में भेज दिया गया है। कमीशन के द्वारा यह काफ़ी ही सीरियस नेचर का यह मामला माना गया है। और जहां हमारे यहां के अधिवक्ता थे माधव जी, बहुत कर्मठ अधिवक्ता थे और बहुत अच्छे उनका यहां कार्य था। गायघाट पुलिस ने उनके साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जो कि कहने से पड़े है। इसके ऊपर उसके बाद यहाँ मानवाधिकार आयोग को शिकायत गई, हमारे एस के झा ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत किया, नई दिल्ली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में। लेकिन आज हम लोगों को यह पता चला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई राज्य मानवाधिकार आयोग पटना को सौंप दिया है कि इसकी जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई करें। और हम लोगों को उम्मीद है कि पुलिस का जो अत्याचार है उसको मानवाधिकार आयोग ही ठीक कर सकता है। अनेकों मामले में ठीक किया है और यहाँ भी करेगा, क्योंकि पुलिस, बिहार की पुलिस मनमानी कार्य करती है। किसी का कोई ना आदर देखना है ना उसका सम्मान देखना है, यह अपना कार्रवाई करती है। और निश्चित रूप से इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग कार्रवाई करेगी। गायघाट पुलिस को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इसने ऐसा घोर अमानवीय काम किया। आम आदमी को तो हथकड़ी लगाना ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, और यह जानबूझकर अधिवक्ता को अपमानित करने की। देखा जाए, माधव जी थे हम लोग संघ में, उनका लगभग 10 साल का प्रैक्टिस होगा, अच्छे स्वभाव के लोग थे। उनको गायघाट पुलिस 25 तारीख को नाजायज केस में पकड़ करके हिरासत में मारपीट भी करने का काम किया और प्रताड़ित करने के लिए हाथ में हथकड़ी वहाँ से ही लगा करके और कचहरी कैंपस में घुमाया गया, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। सदर थाना क्षेत्र से महज चंद कदमों की दूरी पर सरेआम बाइक सवार अपराधियों ने किराना व्यवसायी से 8 लाख रुपए छीन फरार हो गए। किराना व्यवसायी सनोज कुमार भगवानपुर चौक स्थित SBI बैंक से पैसे निकाल कर अपने दुकान में थे। इस दौरान बाइक पर सवार दो अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यवसायी का बैग छीन लिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। क्या चीज से थे अपराधी? पर बाइक। कितने कितने अपराधी थे? दो अपराधी थे, एगो मुरेठा पान लेता उधर गमछा से, और छोटा छोटा अच्छा में उसका पीछे नंबर प्लेट और व्यवसायी के तरफ निकले हैं। और गाड़ी पर बैठ के जैसे हम मतलब पैसा के बीच में रख रहे थे, पीछे से झपट्टा मारा। पैसा कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? बैंक से निकाल के जा रहे थे घर। बैंक से निकाल के घर जा रहे थे? कौन से बैंक से निकाल रहे थे? ये SBI। किस ब्रांच से? भगवानपुर SBI। आपका क्या नाम? सनोज कुमार। क्या आदमी से आप?